तो हेलो एवरीवन, तो यार कैसे हो तुम सब? आई होप अच्छे होंगे भाई। तो आज की वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम जो है अपना हेयर स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो, वो भी बिना पर्मनल पास के। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा, हेयर स्टाइल लगाने के लिए हमें चाहिए होता है पर्मनल पास, और जो हमारे बियर्ड्स होते हैं उसको भी लगाने के लिए पर्मनल पास चाहिए। लेकिन जो मैं इस वीडियो में तुम्हें जो चीज़ बताऊंगा उससे तुम जो है अपना हेयर स्टाइल ही चेंज कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है ना? तो और ये जो है, हमने ये जो ग्राफ्ट है, ये एरी ग्राफ्ट है, ये हमने पिछली वीडियो में बाय किया था। तुमने वीडियो वो देखी नहीं है तो जाके देख लो। तो आज की वीडियो में जो है गोल्ड चेन भी बाय करेंगे, और पिछली वीडियो में जो हमने डोडो का मास्क बाय किया था, डोडो रेक्स का मास्क, वो भी पहनेंगे। आज सब कुछ पहनेंगे, एम्बर की तो कमी है नहीं भाई, सब कुछ खरीद लेंगे इसमें जो भी एंशिएंट एम्बर में हमें मिलती है। तो यहाँ पे एक ग्राफ्ट आया है ग्लेशियर का, तो ये भी खरीदेंगे किसी और वीडियो में। और ये रहा हमारा अपीयरेंस चेंज टिकट, 200 एंशिएंट एम्बर का है। तो इसमें लिखा हुआ है देखो कि अगर तुम ये टिकट बाय करते हो ना, तो तुम अपना जो है फ्री में अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हें जो है प्रीमियम पास की जरूरत नहीं हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए। लेकिन अगर तुम अपना बीड चेंज करना चाहोगे ना, तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पास पर्मनल पास होना चाहिए। और जब भी तुम अपना जो है न्यू करेक्टर बनाते हो, तब जो है दोनों के लिए तुम्हारे पास पर्मनल पास होना चाहिए। फिर तुम जो है अपना करेक्टर बना लेते हो, उसके बाद जो है ये टिकट यूज करोगे ना, तो तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो बिना पर्मनल पास के। बियर्ड्स के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए पर्मनल पास। तो अब हम बाय कर लेते हैं इसको, अपीयरेंस चेंज टिकट को। लेकिन भाई ये चीज़ बहुत ही महंगी है, 200 एंशिएंट एम्बर का। मेरे हिसाब से भाई बियर्ड्स भी चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए था, और अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि 200 एंशिएंट एम्बर बहुत ही हार्ड हो चुका है अब के टाइम में कलेक्ट करना। मेरी बात अलग है, मेरे पास बहुत सारे एंशिएंट एम्बर, वो मत देखो तुम। तो यहाँ पे मैं अपना कर रहा हूँ थोड़ा हेयर स्टाइल, तो ये हेयर स्टाइल रखूंगा, ये अच्छा है, बस ये कलर भी अच्छा है, यही कलर रहने देते हैं। तो ये हेयर स्टाइल भाई तुम्हें कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताना, और तुम्हें अच्छा नहीं लगा हो तो दूसरा हेयर स्टाइल रख लेंगे भाई, तुम्हारे मर्जी के मालिक हैं हम, जो तुम कहो वही करेंगे। और यहाँ पे हम अपनी वाइट स्क्रीन कर देते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है तुम्हें दाढ़ी के लिए चाहिए होगा पर्मनल पास, यहाँ पे बगल में देख रहे हो पर्मनल पास का लोगो बना आ रहा है, पर ये फ्री हो जाता ना भाई, क्या ही मजे आ जाते। तो इसको नॉन पे कर देता हूँ, ओके नॉन पे हो चुका है। ये हेड साइज तो रहने देते, हेड इसका सही है, और इसका क्या चेंज करे भाई, हेड तो अपना इसका एकदम सही है। बॉडी में इसका हम चेस्ट देख लेते हैं क्या कर सकते हैं, चेस्ट इसका कम कर देते हैं, और शोल्डर्स इतने जोड़े नहीं रखने, इतना सही है, ओके इतना सही है। अब इसका जो है टोर्सो देख लेते हैं, टोर्सो हाइट नहीं इतनी नहीं करनी भाई, थोड़ा कम कर लेते हैं इसको। अब थोड़ा टोर्सो डेप्थ भी देख लेते हैं, यहाँ पे ये पेटलो टाइप का हो जाएगा, इतना करेंगे तो कम करेंगे तो भुखमरी जैसा लग रहा है, इसको भुखमरी होगी, इतना सही है, चलो ये रहने देते। और टोर्सो वाइट क्या भाई, अच्छा ये थोड़ा चौड़ा हो जाता है, इतना सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे आर्म्स तो छोड़ दो, लेग्स ही देखते हैं। लेग में भी हम इसका लेग लेंथ कम कर देता हूँ मैं इतना इसका, चलो इतना सही है भाई, करेक्टर अपना बन चुका है यहाँ पे। अब मैं कर देता हूँ डे, ठीक है ना, डे में ही अपना करेक्टर अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे हो चुका है हमारा डे, और यहाँ पे ये फोटो मोड ऑन कर देता हूँ जिससे तुम्हें अपना करेक्टर दिखा दूँ, और इधर डिटैच कर देते हैं इसको। ओके अब तुम्हें अपना जो है करेक्टर दिखाते हैं हम कैसा बना, उतना अच्छा खास मेरे को लग नहीं रहा, इसके पीछे की चोटी मेरे को बहुत ही बेकार लग रही है, ग्रीन ग्रीन आइज है इसके। बॉडी तो सही है यार, सही है भाई, मिला जुला के सही है, ज़्यादा खुश तो हुआ नहीं मैं इसका हेयर स्टाइल लेके। बेड्स भी आ जाते तब तो भाई बहुत ही खुश होता मैं। तो अब जो है डोडो रेक्स का मास्क पहनते हैं, यहाँ पे इसको अनस्किन करते हैं और लगाते हैं डोडो रेक्स का मास्क, ओके इक्विप करते हैं, और बाकी की चीज़ भी पहन लेते हैं भाई। तो पैंट पहन लेता हूँ और इसका हाथ का ग्लव्स पहन लेता हूँ। तो अब जो है भाई गोल्ड चेन भी बाय कर लेते हैं, ये ग्राफ्ट ग्लेशियर का भाई बाय करना, बस ऑफर से चला ना जाए। तो यार हमारा गोल्ड चेन 200 एंशिएंट टेम्बर का, तो बाय करके अब इक्विप कर लिया है हमने। देखो गोल्ड चेन जो है ना भाई ऑल इन वन है, ठीक है ना, जितने भी तुम्हारे कॉलर है ना सबका मिक्सचर है गोल्ड चेन, ठीक है। तो अब देखो भाई लुक लुक देखना चाहोगे ना, तो अभी फोटो मोड करके दिखाते हैं भाई, देखो क्या ही मस्त है भाई। देखो बॉडी तो बहुत ही अच्छी लगती है, ग्राफ्ट की वजह से ना इसकी बॉडी बहुत ही शाइन कर रही है। और ये जो डोडो रेक्स का मार्क्स है उतना अच्छा नहीं लगा मेरे को, बस बगल से अच्छा लग रहा है, और वैसे सामने से देखोगे तो उतना अच्छा नहीं है। अब डे में भी हम देख रहे हैं थोड़ा इसको, क्राउच की हो गया भाई, फोटो मोड ऑन करी थी, ओके तो डे में भी अच्छा ही लग रहा भाई। देखो बगल से मेरे को सही लग रहा है, ये सामने से देखोगे ना तो अच्छा नहीं लग रहा, पीछे से भी तुम अच्छा कह सकते हो, क्योंकि जो है बाल बाल टाइप के पीछे से, ठीक है ना।
तो तुम्हें कैसा लगा बताना कमेंट में। और यहाँ पे मैं जो अब टी शर्ट नहीं पहनूंगा भाई, क्योंकि टी शर्ट पहनूंगा तो ये ग्राफ्ट अपना एरी ग्राफ्ट दिखाऊंगा कैसे तुम्हें। तो आई होप यार तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि तुम देख रहे हो भाई 1300 सब्सक्राइबर के हम बहुत ही करीब है, तो जितने जल्दी हो सके करवा दो, ठीक है ना भाई। और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।